और शो के आखिरी में गुरुजी बताते हैं हम सबको एक ऐसा गुरु मंत्र जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरुजी सास बहू के रिश्ते की, घर परिवार में कलह ना हो तो उसके लिए क्या गुरु मंत्र आप हमारे सास बहू को एक साथ देना चाहते हैं? बेटा, सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ इस गुरु मंत्र में कि घर में गर्म ग्रहों की जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गर्म ग्रहों की जगह क्या होती है? अगर घर के अंदर कोई भट्टी बहुत बड़ी बड़ी अगर आपने रखी हुई है और उसके अंदर आए दिन तंदूर वगैरह तुम जलाते हो तो समझ लो घर के अंदर कभी भी मुसीबतें और क्लेश कभी भी आ सकता है। पहला ये। दूसरा बेटा, अगर तुम्हारे घर में बड़े बड़े दीवान या तख्त है और उनके नीचे तुमने बर्तन वगैरह भर के रखे हुए हैं और लोहे का फालतू सामान तुमने भर के रखा हुआ है या लकड़ियों का फालतू सामान भर के रखा हुआ है तो ये घर के किसी भी कोने में हो बेटा, इसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आप लोग जो सूंघते हो वो आपके दिमाग को बंद करने का काम करती है और एक दूसरे को माफ ना करने की प्रवृत्ति देती है। तो सबसे पहले ये भी अपने घर से हटाओ। और तीसरा, घर का जो उत्तर पूर्व कोना है और घर का जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है बेटा, इसके अंदर कबाड़ वगैरह बिल्कुल ना हो। और तीसरी बात, संस्कारों का पालन करना, यानी कि घर के अंदर जो भी औरतें हैं वो अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरे, लाल रंग की बिंदी लगाए, किसी और रंग की बिंदी ना लगाए। औरतों के पांव के अंदर बिच्छुओं का होना और पांव में पायल होना बेटा, ये अपने घर के अंदर की सुख शांति और समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और जिस घर में ये संस्कारों के पालन होते हैं और इस तरह का वास्तु ठीक किया जाता है उन घरों में क्लेश बिल्कुल नहीं होते, मियां बीबी भी सुखी रहते हैं और सास बहू भी हमेशा खुशहाली से रहती है। दाता सुख।